इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के इन अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ओवैसी और अखिलेश एक हैं या कोई गठबंधन है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ओवैसी आपके साथ थे पहले, अभी भी है कि नहीं? थे। हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो 100 सीट न लड़के बल्कि 10 सीट लड़ें, और वो हम लोगों के साथ रहें। जो लोग सपना है कि 100 सीट हमको मिल जाए, 80 सीट मिल जाए, 50 सीट मिल जाए, तो अगर अखिलेश जी सबको सीटियाँ दे देंगे तो अखिलेश जी की पार्टी है वो क्या करेंगे? तो उनका भी कहना है कि भाई उतने उतने सब लोग लड़ो जितना आपके क्षमता है, जो आपके संगठन जितना है, जितना लोग आपके साथ हैं उतनी बात करो आप। तो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास हो रहा है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको। हम तो शिवपाल जी को भी समझाते हैं, चंद्रशेखर जी को समझाते हैं, ओवैसी जी को समझाते हैं, हम जितने भी लोग हैं आप देखें कि मैं बराबर सबसे मिलता रहता था, चंद्रशेखर जी से सबसे मिलता रहता। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोग एक साथ हमें। आज आप एक ये बात स्पष्ट कर दीजिए कि क्या ओवैसी अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा में है या नहीं है, बाहर है, कहाँ है? देखिए, एक बैठक हुई शिवपाल जी के यहाँ, ठीक है, उसको आप लोगों ने देखा कि वहाँ 4 लोग थे। उस मीटिंग में तय हुआ कि शिवपाल जी अखिलेश जी से बात करें, इसकी मोर्चे से गठबंधन हो। 10 तारीख की डेट पड़ी, 10 तारीख तक वो बात नहीं कर पाए। फिर लोगों ने कहा कि आप बात करो, हम कह देखो बात हम करेंगे तो पहले हमको घर में घुसने दो, हम उस घर में जाएंगे तब फिर हम आपके विषय में बात करेंगे। तो फिर हम लोगों ने प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी, बाबू रामपाल की पार्टी, अनिल चौहान की पार्टी, रामसागर बिंद की पार्टी, हम इन लोगों को लेकर के वहाँ समझौते की घोषणा 27 अक्टूबर को करा दिए। उसके बाद तो फिर हमारा प्रयास हुआ कि भाई हम तो वहाँ चले गए। अब आप लोग का, अब लोग खाली जीत है कि सीट का। हम राजभर साहब का एक मैसेज चल रहा है, एक बयान चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी MIM को 10-15 सीटें देने के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि राजभर जी और उस आदमी का नाम बताइए जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात, मैं आसिम वकार लखनऊ में रहता हूं, अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा नंबर भी उनके पास है, उनको अगर हमसे बात करना है तो मैं अवेलेबल हूं, बिल्कुल अवेलेबल हूं, आप जब चाहें फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। आपको हमसे बात करने के लिए MIM के लिए अगर आप सीटें देना चाहते हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हम अवेलेबल हैं। आपको हमसे बात करने के लिए किसी मध्यस्थ की, मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम आपस में बात कर लेंगे। आप खेल खेल रहे हैं राजभर साहब। और दूसरी बात, आप खाली इतना बताइए कि आपको कितने